अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे इक्की के किचन में एक मज़ेदार स्नैक्स। ये स्नैक्स बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। आप रमज़ान में भी बनाइए, मेहमानों के आने पे भी बनाइए, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रख दे सकते हैं। तो व्यूअर्स आइए अब रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी शुरू करते हैं। राइस पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चावल लिए, जिसको मैंने बॉयल अच्छे तरीके से कर लिए। मैंने हल्का सा नमक डाल के इसको बॉयल किया था। ये तकरीबन एक प्याली हमारे चावल है। चावल बिल्कुल हमने ठंडे कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इनको अच्छे तरीके से मैश करूँगी। आप गर्म चावलों को मैश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पानी छोड़ देते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। अब मैं इस मैशर की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे मैं मैश करती जाऊंगी और मैं बिल्कुल इसका मलीदा बनाऊंगी। देखें जी, मैंने माशाल्लाह चावलों को बिल्कुल मैश कर लिया है, बिल्कुल इसका मलीदा बना लिया है, क्योंकि चावल हमारे जो थे फुल बॉयल थे, हमने कोई कनी नहीं रखी थी। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ये देखें। अब मैंने ये लिए आलू लिए, तकरीबन एक पाव आलू है, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था और इनको छिलके उतार लिए और बिल्कुल इनको ठंडा कर लिया। अब मैं इस ग्रेटर की मदद से इसको मैश करती हूँ, मैश करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी, आलूओं को बिल्कुल मैंने ठंडा किया है। अब मैं इस ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करूँगी। बिल्कुल बारीक है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके मैं इसको तमाम को ऐसे आलुओं को ग्रेट करूँगी। मैं ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने तमाम आलुओं को ग्रेट किया है। इससे ग्रेट से जायका बहुत अच्छा आएगा, ये बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। देखें जी, हमने आलूओं को भी बिल्कुल ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी और अच्छे से इनको दोनों को हाथ की मदद से मैं मिक्स करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर्स, इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके इसको यकजान करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आप उनकी तरफ से हमें तोहफा मिलता है। और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी हर वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए, मैंने आलू और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास खुशक मसाले हैं, ये एक टीस्पून मेरे पास भर के मैंने लिया है तमाम कुटे हुए मसाले, जिसमें जायफल, जावित्री वगैरह सब मौजूद है। आधा टीस्पून से कम मैंने सौंठ लिया है, खुशक अदरक, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून ब्लैक मिर्च, और एक टेबलस्पून मैंने लिया सूखा धनिया पिसा हुआ, एक टीस्पून भर के मैंने सुरख मिर्च लिए, चाट मसाला लिया मैंने तकरीबन भर के एक टेबलस्पून, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, ये शामिल करते हैं मसालों को। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी नमक इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। मैं हाथ की मदद इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। और मेरे पास ये इस तरह सब्ज़ मसाले हैं। शिमला मिर्च ली है मैंने तकरीबन तीन टेबलस्पून है, जिसको मैंने बीज निकाल के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और प्याज तकरीबन तीन टेबलस्पून है, एक टेबलस्पून मेरे पास हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई। ये धनिया है, सॉरी पुदीना है तकरीबन दो टेबलस्पून, तीन टेबलस्पून मेरे पास सब्ज़ धनिया, इनको ये शामिल करती हूँ। इससे इसका जायका बहुत आएगा, अच्छा आएगा। ये आप शाम की चाय के साथ बना के भी खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के खा सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए जी, मैंने इस बैटर को यानी कि आटे को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अभी इस स्टेज पे मेरे पास तकरीबन तीन टेबलस्पून चावल का आटा है, जिसको मैंने छान लिया था, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी। मैं इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करती हूँ। अब इस स्टेज पर मैं नमक शामिल करूँगी। नमक मैंने तकरीबन एक टी स्पून से कम लिया है, क्योंकि मैंने चावलों में भी डाला था और आलुओं में भी डाला था। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ ही मैं तकरीबन मेरे पास ये है मैदा, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है। ये तकरीबन मैं दो टेबलस्पून अभी डालूंगी, डाल के इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो और डालूंगी। और ये मेरे पास लेमन जूस है एक टीस्पून, ये टेस्ट के लिए डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। देखें जी, मैंने आटे को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया। मैं नीचे इस पर आयल लगाऊंगी, आयल का हाथ, ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए, मैं नीचे हाथ लगा के इसको अच्छे से मैं ऐसे मिक्स करती हूँ, ताकि ये यकजान हो जाए। बिल्कुल मुलायम करेंगे हम इसको ना। देखिए जी, मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है, मैंने इसको ऐसे लंबे लंबे क्यूब की शक्ल में काट लिया था। ये देखें, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था। अब मैं अपने हाथ में आयल लगाऊंगी। हाथ पे आयल लगा के तो ये मैं इतना इतना बैटर उठाती जाऊंगी। आप बड़े या छोटे जितने भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ऐसे मैं हाथ की मदद से इसको ऐसे हाथ पे फैलाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स,
और ये फौरी बनाने क्योंकि नमक सब्जियों में पानी छोड़ देगा। ये देखिए मैं इसमें अब इसकी फिलिंग करती हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे शेप दूंगी, आप जो मर्ज़ी इसको शेप देना चाहे दे सकते हैं, मैं लंबाई में शेप दूँ। देखें जी मैंने इस तरह की शेप दी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी शेप दे लें, मैं बना के ऐसे रखती जाऊंगी। देखें जी आयल हमारा गर्म हो गया, आयल को बिल्कुल मैंने मीडियम लो पे इसको गर्म किया है। मेरे ये चीज़ कटलस राइस पोटैटो चीज़ का कटलस मैंने 3 को अभी रेडी किया है, अभी इसको हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे माशाल्लाह, ये बहुत बनते हैं शाम की चाय के साथ, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अंदर चीज़ की फिलिंग है मोज़रेला चीज़ की। देखें जी मैं इसको अब थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी ताकि ये नीचे नहीं लगें, चिपके नहीं साथ। माशाल्लाह खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है चावलों की, आलूओं की, माशाल्लाह। ये देखें धनिया पुदीने की, ये देखें वेयर्स। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखें वेयर्स माशाल्लाह, कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे, बच्चे केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स में तो आप बना के इनको दीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखें देखें जी माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं, दोनों तरफ से कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ, इसी तरह मैं दूसरे भी फ्राई करूँगी, फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी राइस पोटैटो चीज़ कटलेस हमारे ये भी रेडी हो चुके हैं, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी कितने ज़बरदस्त ये रेडी हो रहे हैं, माशाल्लाह खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। तो आप ये बना के तकरीबन नीचे फ्रिज में 3 से 4 दिन रख सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों को बना के दें या शाम की चाय के साथ। देखें जी हमारे प्यारे प्यारे से पोटैटो चीज़ राइस कटलेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खुशबू मज़े की, बहुत टेस्टी बने हैं। मैं अभी इनको आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह राइस पोटैटो चीज़ कटलेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह कलर बहुत ज़बरदस्त आया इनका। तो आप ये इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल प्योर तरीका है, देसी तरीका है, शाम की चाय के साथ बनाएं, बना के आप ये बच्चों के लिए भी बनाएं, खुद भी खाएं। तो ये मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। तो ये वीयर्स ये बहुत मज़े के और टेस्टी बने। अभी ये गर्म है माशाल्लाह, अंदर से चीज़ की लेयर देखें, वाओ माशाल्लाह वीयर्स। देखें ये आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। दुआ में याद रखना, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।